पास कुछ है नहीं, कश्मीर साढ़े तीन महीने हो गए लेकिन उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है कश्मीर का, कोई सोल्यूशन नहीं। NRC का 20 लाख उसमें लोगों को निकाल दिया, 20 लाख में से आधे हिंदू हैं, बोड़ो हैं, आदिवासी हैं, हाँ गोरखा है। अब कह रहे हैं हम NRC के खिलाफ हैं, BJP हमेशा कह रहा है मैं NRC चारों तरफ लागू करूँगा, और BJP के लोग आसाम में कह रहे हैं, मिनिस्टर कह रहा है कि भाई हम NRC के खिलाफ हैं। यार मतलब इनकी पॉलिसी ऐसी है, मसल फ्लेक्सिंग करते हैं लोग, लेकिन इनका कुछ सोच या आधार नहीं है। पलपल न्यूज से मैं हूँ नदीम अकरम और दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। लगातार JNU को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही हैं और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट अमित गुप्ता सर मौजूद हैं। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए अमित सेन गुप्ता सर मौजूद हैं। सर जिस तरीके से मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठ रहा है क्योंकि प्रोपेगेंडा लगातार JNU के खिलाफ चलाया गया रिपब्लिक TV और JNU, तो कैसे देखते हैं मीडिया की भूमिका को? मीडिया की भूमिका सिर्फ JNU पे नहीं, मीडिया की भूमिका बाय एंड लार्ज तो एक मोदी के लॉयलिस्ट की तरह है, जिसमें ना ऑब्जेक्टिविटी है, ना इम्पार्शियलिटी है, ना बैलेंस है, ना कॉन्स्टेंट है। और मीडिया की भूमिका बाय लार्ज मतलब पत्रकारिता से के एथिक्स के संदर्भ में नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सच्चाई छुप सकती है। सच्चाई JNU की अब पूरे देश में जाहिर है, सब यूनिवर्सिटीज़ में प्रोटेस्ट हो रहा है, पार्लियामेंट में सवाल उठ रहा है, और ये दो तरफा है। एक तो RSS चाहती है कि पूरा JNU जैसे यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करे और डिस्ट्रॉय कर दे, दूसरा ये प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं कि गरीब छात्र जो हैं वो आगे पढ़ाई ना कर पाए। ये अटैक तो टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंसेज में भी हुआ है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुआ है, जगह जगह हो रहा है। ये नहीं चाहते कि माइनॉरिटीज़, विमेन, SC ST आदिवासी जो गरीब छात्र हैं वो लोग आगे हायर एजुकेशन में रिसर्च करें, क्योंकि रिसर्च करने से आदमी का दिमाग खुलता है। और JNU से इतने लोग जो हैं वो JNU में छात्रों का दिमाग खुलता है, दिमाग खुलने से छात्र सवाल पूछता है, सवाल पूछने के बाद छात्र कहता है कि संसार ऐसा क्यों है, संसार में इनइक्वालिटी क्यों है, इनजस्टिस क्यों है, फैशिज्म क्यों है, मॉब लिंचिंग क्यों हो रहा है, गरीब गरीब क्यों है, अमीर अमीर क्यों होता जा रहा है ना। ये लोग चाहते हैं ऐसे सवालों को, तो ये बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन है हिंदुत्व का, अडॉल्फ हिटलर के फैशिज्म का और प्राइवेटाइजेशन का, जिसमें कि अमीरों के बच्चों को ही आप पढ़ाएंगे, उनको भी पढ़ने का हक है, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं या 40-50% जो JNU में छात्र हैं उनको भी पढ़ने का हक है। सर इसी के साथ शिक्षा संस्थानों को लगातार बीते 6 सालों का देखें तो बर्बाद करने कभी जामिया इस्लामिया, और अगर इन तीनों यूनिवर्सिटी को जोड़ते हैं तो BHU में भी एक किसी तरीके का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है प्रोफेसर फिरोज खान को लेकर, जो ये शर्मनाक हरकतें लगातार घटती जा रही हैं, तो कैसे देखते हैं कि अगर मुस्लिम होकर के संस्कृत पढ़ाते हैं तो वो पढ़ा नहीं सकते, तो ये क्या आइडियोलॉजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब सिर्फ जामिया अलीगढ़ नहीं, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जादवपुर, FTII, टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंसेज, जगह जगह इन्होंने घेराबंदी की हुई है, आसाम में, डिब्रूगढ़ में, जगह जगह ये लोग चाहते हैं, बस इनका एजेंडा चले। ये डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस, इंटेलेक्चुअल प्लूरलिज्म या एकेडमिक एक्सीलेंस में विश्वास नहीं करते, ये तो अनपढ़ गंवार है, पढ़े लिखे तो है नहीं ये लोग। और ये लोग ने मुझे नहीं लगता कि इन्होंने खुद गुरु गोलवाल को पढ़ा हो या श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्पीचेस पढ़ी हो, तो ये लोग जो हैं ये सभी नेहरू के खिलाफ है, और ये किसी पढ़ाई लिखाई या सोच के खिलाफ, अच्छी सोच के खिलाफ, और ये चाहते हैं सब लोग जो है एक वन डायमेंशनल आइडियोलॉजी को फॉलो करें, और जो नहीं फॉलो करेगा उसको एंटी नेशनल या पाकिस्तानी या टेररिस्ट या नक्सलाइट कुछ इस तरह का, ये चलेगा नहीं। मतलब कब तक चलेगा, ऐसा तो ना होता है, क्योंकि हज़ारों लोग वहाँ पर, इतने हज़ारों लोग हैं वो JNU के इतने पुराने पुराने छात्र आए हैं, 70 साल के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इसलिए आए हैं कि एक यूनिवर्सिटी है उसमें शिक्षा को महत्व जाता है। सबसे बड़ी बात है वहाँ गरीब छात्र या छात्र जो भी वर्कर है, मेस वर्कर का बच्चा, सफाई कर्मचारी का लड़की, जिनमें पढ़ सकते हैं, राष्ट्रपति के बच्चे भी पढ़ रही है, आर्मी का जनरल भी पढ़ रहा है, और सफाई कर्मचारी का बच्चा भी पढ़ रहा है। ये लड़ाई है JNU की,
तो सर लगातार जो शिक्षा संस्थानों को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि कोई ठोस कदम उठाया नहीं जाता और लगातार 20-25 दिन से ये सिनेरियो चल रहा है, तो आप मुद्दे को NRC में बदला जा रहा है। यार इनके पास कुछ है नहीं, कश्मीर 3.5 महीने हो गए, इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, कश्मीर का कोई सोल्यूशन नहीं। NRC का 20 लाख उसमें लोगों को निकाल दिया, 20 लाख में से आधे हिंदू हैं, बोड़ो हैं, आदिवासी हैं, हाँ गोरखा है। अब कह रहे हैं हम NRC के खिलाफ है, बीजेपी हमेशा कह रहा है मैं NRC चारों तरफ लागू करूंगा, और BJP के लोग आसाम में कह रहे हैं, मिनिस्टर कह रहा है कि भाई हम NRC के खिलाफ है। यार मतलब इनकी पॉलिसी ऐसी है, मसल फ्लेक्सिंग करते हैं लोग, लेकिन इनका कुछ सोच या आधार नहीं है, कोई विजन नहीं है।